Hello, my dear students. Welcome to ATP Star, the super learning platform. I am your Anushka ma'am और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही interesting topic. क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? आज हम पढ़ने वाले हैं laws of chemical combination के बारे में. Okay. तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि क्यों हमें पढ़ने हैं laws of chemical combination. तो आपको बहुत ही important information मुझे देनी है कि ये जो laws है ना, ये बहुत ही पहले मतलब 18th century की मैं बात कर रही हूँ, उस time पे दिए गए थे. उस टाइम पे, अभी आप अगर इन लॉज को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल से लॉज हैं, क्या है ये तो एकदम जेन्युइन बात है जो हमें पता है. बट आप ये सोचिए कि 18th सेंचुरी में जब साइंस स्टडी करना स्टार्ट किया गया था, उस टाइम पे साइंटिस्ट इतने ब्रिलियंट माइंड लोग होते थे दैट उन्होंने इन लॉज को दिया था. दे वर सो ब्रिलियंट कि 18th सेंचुरी में जब कुछ भी नहीं पता था हमें साइंस के बारे में, तब उन्होंने हमें ये बेसिक लॉज दिए थे और इसी से साइंस जो है वो डेवलप हुई है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये साइंस का रूट है, ये लॉज जो है वो साइंस का रूट है. तो अब इनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जो है ना वो डायरेक्टली तो नहीं आते, बट इनडायरेक्टली कंसेप्चुअली हर एक टॉपिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लीजिए आप, जहां पर भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वहां पर आपसे इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. क्वेश्चन के अंदर ही कुछ छोटा सा पार्ट होगा जो लॉज से रिलेटेड होगा, इसलिए हम इसे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. अगर आपने ये टॉपिक बस इस वीडियो में देख लिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दोबारा आपको इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज थे वो 6 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज थे, 18th सेंचुरी में वो दिए गए थे. चलिए देख लेते हैं कि कौन से लॉज हम पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट लॉ जो है वो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लेवोइजियर ने दिया था 1774 में. सोच रहे हैं कितना जल्दी. यस. नेक्स्ट अगर हम देखें तो द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन हम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, डाल्टन्स ने दिया था 1803 के अंदर. वाओ. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट इज गे लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. और जो लास्ट लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ. तो सभी लॉज को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. तो चलिए करते हैं शुरू. अब अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बहुत सारे बच्चों को ये लॉ पता है. क्यों पता है? साइंस की स्टार्टिंग ही तो यहां से की थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? तो बस उसी से हमें यहां पर इसको पढ़ना है. मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. समझ लेते हैं कैसे. ये देखिए, इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे. इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास में कुछ भी ए प्लस बी, लेट अस से ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने रिएक्ट किया. जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो हमें लेट अस से प्रोडक्ट मिला सी प्लस डी. ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स हैं. तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये लॉ सिंपल सी बात बोलता है कि जो मास रिएक्टेंट्स का है इनिशियली वही इक्वल होगा मास प्रोडक्ट्स के. यानी कि मास जो है, आप कुछ भी रिएक्शन हो लेकिन मास ना तो बन सकता है ज्यादा ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. सिंपल सी बात है. ये तो मैंने आपको ABCD लेके समझाया था. अब एक्चुअल रिएक्शन देख लेते हैं. हमारे पास है मर्क्यूरिक ऑक्साइड. चलिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड है हमारे पास में. मैंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को किया हीट, ठीक है. क्या मिला मुझे? मुझे मिल गई मरकरी और मुझे मिल गई ऑक्सीजन, ठीक है. ये हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन गैस. गैस दिखा नहीं सकती थी इसलिए बलून में डाल के दिखा दी. ओके, परफेक्ट. तो आपको ये समझना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है. तो क्या हुआ, हमने जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया तो मर्करी और ऑक्सीजन मिला. मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब हीट किया था तो उसका मास था 100 ग्राम्स. मुझे पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ना तो मास क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी कि मास कंजर्व्ड रहेगा. तो अगर मरकरी का मास देखिए तो 93 ग्राम्स, लेट अस से 93 आया, तो ऑक्सीजन का मास 7 ग्राम्स होगा.
यानी कि आप क्या देख रहे हैं दैट जब हमें एक रिएक्शन पता है, ऑल्सो हमें पता है कि इसके अंदर एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से किन्हीं दो का अगर मुझे मास गिवन है तो मैं थर्ड का मास फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है जो कभी भी एकदम से आपके कोई भी क्वेश्चन के बीच में आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ईजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस से हमारे पास में एक वुडन लॉग है, ठीक है, वो है 30 kgs का। फायर है, फायर अगर हम बात करें तो यहां पे भी तो गैसेस होंगी ना, तो उसका मास लेटर से 1 kg है। तो जब इसको हीट किया तो कुछ एशेस बनी और कुछ स्मोक बना, स्मोक में भी गैसेस होंगी, राइट। तो ये 28 kgs है, तो मुझे वैसे भी पता है कि ये 3 kgs होगा, राइट। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, परफेक्ट। बढ़िए, आगे यहां तक अगर आपको क्लियर है तो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हाउ मच ऑक्सीजन विल एड विद 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन टू गिव 132 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अज्यूमिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, बट हाँ क्वेश्चन के बीच में हमें इसे यूज करना पड़ सकता है, राइट। तो अब हम इसको करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें रिएक्शन की जरूरत है, राइट। रिएक्शन लिखना हमें आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन ने आपको रिएक्शन भी दे रखी है, देखते हैं कैसे। हाउ मच ऑक्सीजन विल एड विद 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन एड हो रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन है, ऑक्सीजन गैस एड हो रही है, और बोला गया है That to give 132 grams of carbon dioxide, यानी कि दी जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां आ जाएगा CO2, राइट। मासेस देख लेते हैं, ऑक्सीजन का मास हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको एम ऑफ O2 ले लेती हूँ। 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन मुझे गिवन है, और अगर हम यहाँ पर देखें CO2 की बात करें तो वो हमें 132 ग्राम्स जो है वो गिवन है। अब मुझे मास फाइंड आउट करना है, बहुत ही ईजी है। क्या कहूंगी मैं, दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन गैस विल गिव मी व्हाट, मास ऑफ CO2, है ना। इनका मास तो इक्वल होगा, इक्वल टू से इक्वल टू नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे कि इन दोनों के मास का सम जो है वो क्या होगा, वो यहां पर इक्वल होगा ना, राइट। एरो नहीं लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ये समझ आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों मेरे रिएक्टेंट्स हैं, ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा रिएक्टेंट्स का मास, राइट। तो यहां पर बस वैल्यूज पुट करनी है, 36 हमें गिवन है, मास ऑफ O2 हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ CO2 132 गिवन है, तो मास ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 132 माइनस 36 विच इज इक्वल टू व्हाट, 96 ग्राम्स। ये आ गया हमारे पास में मास ऑफ O2। तो हमने इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करके फाइंड आउट कर लिया कि कैसे हम मासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। बहुत इजी था, चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है, फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक जनरल सिनेरियो, लेट अस से मुझे पानी पीना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव वाटर H2O, हमें पता है। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हो सकता है कि ये पानी जो है मैं आरओ से पी लूँ, मेरे घर पे आरओ है। दूसरा मैं क्या कर दूँ, लेट अस से कि मैंने ये पानी जो है मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी और मैंने बिस्लेरी की बोतल से पानी पिया, तो यहाँ पर लेट अस से कि ये बिस्लेरी की बोतल आ गई, ठीक है, मैंने बिस्लेरी की बोतल से पानी पी लिया। और हम कहाँ से पानी पी सकते हैं, लेट अस से मैंने लेक था, मैंने कहा चलो अभी पानी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेक से पानी पी लेते हैं, ठीक है, पीना मत ऐसे डायरेक्टली, बट ठीक है एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेक से पानी ले लिया, राइट। और क्या हो सकता है, मे बी हम वेल से पानी ले लें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मैंने ऐसा क्या, यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि पानी का सोर्स चाहे कोई भी हो, पानी तो पानी रहता है ना, यानी कि ये जो H2O है ये तो सेम रहेगा हर जहां पे। अगर मैं यहां पर H2O की बात कर रही हूं तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम्स ही है, मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और अगर मैं यहां पर आपसे मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो वो हर केस में 16 ग्राम्स है,
वो तो चेंज नहीं हो रहा, चाहे मैं कोई भी सोर्स ऑफ वाटर लू, रेशियो इनके मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। बस यही बात कहता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि आप कोई भी सोर्स लीजिए किसी भी कंपाउंड का, अगर सेम कंपाउंड है तो इनके मासेस का रेशियो, दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो, मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 2:16, दैट इज 1:8 ही रहेगा। बस इतनी सी बात है। कोई चीज नेचुरली हमें मिल रही है, कोई कंपाउंड हम लैब के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, बट हम सेम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो उनके कंपाउंड्स का जो मासेस का रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, दैट इज डेफिनेट रहेगा। बस यही कहता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट अब। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड वेयर एवर ऑब्टेंड एंड हाउ एवर प्रिपेयर्ड कंटेन्स इट्स कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाई वेट। परफेक्ट, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज समझेंगे। ये तो मुझे समझ आ गया कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मुझे क्या कहना चाहता है, ठीक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। अभी उससे पहले हमें क्या समझना है, उससे पहले ना हमें ड्रॉबैक्स भी समझने हैं। अब ड्रॉबैक्स कैसे समझने हैं, देखो आपको ना हर चीज का, अगर आपको लॉ समझ आया तो उसके ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, और जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ड्रॉबैक से पूछे जाते हैं, तो ड्रॉबैक्स समझते हैं। मैंने आपको बोला कि कोई भी दो कंपाउंड्स, मैंने जैसे वाटर आपके सामने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही बात की थी, तो वाटर आप कहीं से भी लो इनका मासेस का रेशियो सेम रहेगा, राइट। तो वो ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो है उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका मासेस का रेशियो सेम है। अब ड्रॉबैक क्या है, द रिवर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, यानी कि मैं लिख देती हूं यहां पर रिवर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट वैलिड, ठीक है, इज नॉट वैलिड। अब आपको ये समझना है कि मैं यहां पर बोलना क्या चाहती हूं। लेट अस से एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है। नेक्स्ट ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगर हम यहां पर रेशियो देखें मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर भी मैं यही करती हूं, मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ कार्बन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, परफेक्ट। चलिए लिख लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है तो 2 × 1, ठीक है, कार्बन 1 है तो 1 × 12, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, रेशियो निकाल रहे हैं तो 1 × ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, तो मैंने यहाँ पर मास लिख दिया 16। सेम हम यहाँ कर सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 12, तो 12 × 1 रेशियो, कार्बन यहाँ पर 6 है तो 6 × 12 रेशियो 6 × 16, ठीक है, ये मैंने रेशियो फाइंड आउट कर लिया। सिंपल रेशियो फाइंड आउट करते हैं अब इसका, ये हो जाएगा वॉट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2:12:16, 1:6:8, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां बढ़ते हैं, अगर हम यहां पर देखें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि 2:6:16 हो जाएगा, है ना, इतना आ रहा है, परफेक्ट। आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1:16 हो जाएगा, यहां पर 1:6:8, क्या देख रहे हैं कि दोनों का रेशियो सेम आ रहा है ना। हमने क्या देखा था, जब हमने वाटर की बात की थी तो वाटर कहीं से भी लो मासेस ऑफ द एलिमेंट्स जो थे उनका रेशियो सेम आ रहा था, राइट। अब अगर आप यहां पर उल्टा देखो कि अगर रेशियो सेम है तो सेम कंपाउंड होने चाहिए थे ना, लेकिन सेम कंपाउंड तो नहीं है, ये क्या है, ये तो ग्लूकोज है और ये क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यानी कि वो जो स्टेटमेंट है उसका रिवर्स ट्रू नहीं हो सकता। अगर आपको एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो सेम दिया है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो कंपाउंड बनेगा वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है, नहीं, दो अलग अलग कंपाउंड्स भी वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, फर्स्ट ड्रॉबैक तो आपको समझ आ गया, अब हम ना सेकंड ड्रॉबैक की बात करते हैं। सेकंड ड्रॉबैक क्या कहता है, अब आपको इसको बड़ी ध्यान से समझना है, ठीक है, मैं सेकंड ड्रॉबैक की बात करती हूं। सेकंड ड्रॉबैक क्या कहता है, लेट अस से आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स होते हैं ना, आइसोटोप्स क्या होता है,
एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, राइट? तो यानी कि आइसोटोप्स के केस में आइसोटोप्स डज नॉट फॉलो दिस लॉ। ये क्या हो गया मैम समझाएंगी, चलिए समझते हैं। आइसोटोप्स जो है वो ये लॉ फॉलो नहीं करते। मैं वाटर की बात कर रही हूं, वाटर क्या हो सकता है, वाटर H2 हो सकता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम भी तो होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम है। तो यानी कि अगर मैं D2O की बात करूं तो ये भी तो क्या है, आइसोटोप ही तो है, ये भी तो वाटर ही है, राइट? एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों का, यस। तो अगर हम यहां पर मास का रेशियो देखें तो मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है 2:16, दैट इज 1:8, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर मास ऑफ ड्यूटेरियम रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे तो ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो यानी कि 4:16 तो 1:2 आ गया। अब आपको यहां, सॉरी 1:4 आ गया। तो अब आपको यहां पर क्या समझना है, अब आपको यहां पर यह देखना है कि दोनों ही पानी थे। देखो ड्यूटेरियम D2O भी वाटर होता है पर वो पीने लायक नहीं होता है, ठीक है। तो D2O भी वाटर है, H2O भी वाटर है, लेकिन जो मासेस का रेशियो है वो सेम नहीं आ रहा। यानी कि आइसोटोप्स के केस में भी जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन होता है वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो ड्रॉबैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनका ध्यान रखना है, इन्हीं से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। परफेक्ट, अगर यहां तक क्लियर है तो वेरी गुड, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। द फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ टू सैंपल्स ऑफ द सेम और टू डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। फ्रॉम दीज रिजल्ट्स डिसाइड वेदर द टू सैंपल्स आर फ्रॉम द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। ऑल्सो स्टेट द लॉ विच विल बी ओबेड बाय द गिवन। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमें कंपाउंड ए और कंपाउंड बी गिवन है, अमाउंट फॉस्फोरस की गिवन है, अमाउंट हमें क्लोरीन की भी गिवन है। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए देखते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो हमें मासेस गिवन है, ये कंपाउंड ए है, ये हमारा कंपाउंड ए है, ये हमारा कंपाउंड बी है, राइट? तो अब चलिए समझते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसने बोला द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑफ एनालिसिस फ्रॉम टू सैंपल्स ऑफ दी सेम और टू डिफरेंट कंपाउंड्स। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर चेक करना है रेशियो ऑफ मास ऑफ फॉस्फरस टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ क्लोरीन, राइट? अगर मैं ये कंपाउंड ए में और कंपाउंड बी में चेक कर लूं तो अगर रेशियो सेम आ रहा है तो फिर वो कौन सा लॉ होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, राइट? और अगर सेम नहीं आया तो फिर वो कोई और लॉ होगा जिसके बारे हम आगे स्टडी करेंगे, राइट? तो चलिए अब हम देखते हैं, हमें सिंपल करना है रेशियो इनका फाइंड आउट। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमें गिवन है, देख लेते हैं। द मास रेशियो ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन इन द कंपाउंड ए, मास ऑफ फॉस्फोरस टू रेशियो मास ऑफ क्लोरीन 1.156 रेशियो 3.971। तो रेशियो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, परफेक्ट। द मास रेशियो ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन इन कंपाउंड बी, मास ऑफ फॉस्फोरस टू मास ऑफ क्लोरीन। तो ये हमें रेशियो गिवन है और अगर हम देखें तो रेशियो यहां पर भी सेम आ रहा है। यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो रेशियो बिल्कुल सेम है तो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, राइट? तो बस इतनी सी बात थी, इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास में कॉपर ऑक्साइड है और मैंने इसे हीट किया और मुझे मिला कॉपर और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं वो समझा रही हूँ। तो अब आपके पास में एक कॉपर का कंपाउंड ये है, लेट अस से इसी तरह से एक और कॉपर का कंपाउंड आपके पास सेकेंड है जिसको आपने फिर से हीट किया, यहाँ पर भी आपने हीट किया है और आपको मिला है कॉपर प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करता है या नहीं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको सिंपली क्या दिया गया होगा, लेट अस से यहां पर आपको मास दिया हुआ है M1, यहां पर आपको इसका मास गिवन होगा M2, राइट? अगर आप यहां देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर M, लेट अस से ये है M3, ठीक है,
ये है M3 और ये है M4। तो आपको यहां पर क्या गिवन है, मासेस आपको सारे गिवन है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आप यहां पर परसेंटेज ऑफ कॉपर फाइंड कर लें दोनों कंपाउंड्स के अंदर, कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ कॉपर, अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड की बात कर रही हूं तो मास ऑफ कॉपर कितना है? M3 है, यस, डिवाइडेड बाय द टोटल मास। टोटल मास क्या है? कॉपर ऑक्साइड का मास होगा ना टोटल, यस। तो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100, ठीक है। ये क्या होगी, ये मास, ये हम मास परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं कॉपर का फर्स्ट कंपाउंड के अंदर। सेम इसी तरह से आप मास परसेंट निकालिए कॉपर का सेकंड कंपाउंड के अंदर, क्या हो जाएगा? सेकंड में अगर हम देखें तो मास ऑफ कॉपर हमें गिवन है M4, और अगर हम मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड देखें तो हमें गिवन है M2, राइट। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, परफेक्ट। तो यहां से भी हमें मिल जाएगी परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ कॉपर। ये जो मास परसेंटेज ऑफ कॉपर होगी ये क्या होनी चाहिए? अगर ये सेम है, अगर मास परसेंटेज ऑफ कॉपर सेम है, तो आप क्या बोल सकते हैं? दैट यस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वो फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर का मास आप चाहे मास परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, मास ऑफ कॉपर टू द टोटल मास इनटू 100, राइट। तो मास परसेंटेज तो अगर सेम कंपाउंड है तो हर जगह पे सेम ही रहेगी, राइट। तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? या तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ये दो तरह के कंपाउंड्स हैं, जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, रेशियो फाइंड आउट कीजिए, आप बता सकते हैं कि वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करता है या नहीं। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है परसेंटेज, मास परसेंटेज फाइंड आउट करो, क्योंकि अगर सेम कंपाउंड है तो कहीं से भी बना हो उसकी मास परसेंटेज हमेशा सेम रहेगी। अगर ये दोनों मास परसेंटेज सेम आए, यानी कि वो फॉलो करता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट proportions, right? तो इस तरह से हम questions को कर सकते हैं, और इसी type के questions आपसे generally exam के अंदर पूछे जाते हैं। Law of multiple proportions क्या state करता है? Law of multiple proportions basically आपको सिर्फ ये बताता है कि जब भी दो elements मिलकर दो या दो से ज्यादा compounds form करते हैं तो क्या होता है। चलिए इसे समझते हैं, let us take an example, हम ऐसे समझते हैं, okay. Let us say कि हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं। अब ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ये दो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। मैं दो कंपाउंड्स के साथ एग्जांपल ले रही हूँ, फिर एक और एग्जांपल लूंगी भी जिसमें दो से भी ज्यादा कंपाउंड्स होंगे, ओके? तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो ये H2O कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, ऑल्सो H2O2 भी फॉर्म करते हैं। तो अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर आप यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे तो दैट इज 2 grams, यहां पर अगर हम मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये है 16 grams, ठीक है। यहां पर अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो दिस इज 2 grams, और मास ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो दैट इज 32 grams। क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? कि दो एलिमेंट्स हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, तो किसी एक के मास को फिक्स कर दो। तो यानी कि मैं क्या करती हूँ, मैं ना हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर देती हूँ, फिक्स है, ठीक है। अब जो दूसरा एलिमेंट है उसके मासेस का रेशियो लो, तो चलिए ले लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो ले लेते हैं टू द मास ऑफ ऑक्सीजन ये वाले का, यहां पर मैं लिख देती हूँ H2O और ये है H2O2, ठीक है। तो यहां पर अगर हम रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 16 है, ये 32 है, तो रेशियो आ गया 1:2। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो आप एक मास फिक्स कर दोगे, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दोगे, तो जो दूसरा एलिमेंट है उसके मासेस जो होंगे ना वो स्मॉल होल नंबर्स में होंगे। बस इतनी सी बात बोली गई है, परफेक्ट, क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं, ओके, ये यहां पर हमें H2 और H2O2 का आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्म करके दिखाया हुआ है, परफेक्ट। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमने क्या किया, अब हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया जो दो से भी ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। अब यहां पर हम सभी के मासेस का रेशियो देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अगर हम मास ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो N2O में मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 grams, ठीक है, नाइट्रोजन 14 grams, परफेक्ट। यहां पर देखेंगे तो दिस इज 14 grams, आगे देखते हैं N2, यहां पर 28 ग्राम्स है, एंड अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी 28 ग्राम्स है, राइट। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के मासेस लिखने हैं, चलिए लिख लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज 16 ग्राम्स, कोई डाउट नहीं, यहां पर भी 16 ग्राम्स,
कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, ओ टू है तो यानी कि मैम लिख सकती है 2 × 16 grams। नेक्स्ट इज ओ थ्री लिखा हुआ है तो यानी कि 3 × 16 grams होगा मास ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम लास्ट देखें तो ओ फाइव है तो 5 × 16, यस, तो यहां पर आ जाएगा 5 × 16 grams। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लॉ के अकॉर्डिंग आपको एक के मास को फिक्स करना है। तो एक के मास को फिक्स कर देते हैं, लेट अस से नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देते हैं, इजी रहेगा। तो मास को फिक्स करूंगी तो इसको इंटू टू कर देती हूँ 28, इसको भी इंटू टू कर देती हूँ, अब सब 28 हो गए। अगर इसको इंटू टू किया है तो यहां पे भी तो इंटू टू करना पड़ेगा, यस, यहां पर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर भी इंटू टू करना पड़ेगा। अब हमने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया, अब हमें यह देखना है कि ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो जो हो वो होल स्मॉल होल नंबर्स में आ रहा है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, अगर हम यहां पर देखें तो 16 16 सब में कॉमन है तो कैंसिल कर दिया, यस, तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 4, यहां पर क्या आएगा 3, और यहां पर आ जाएगा 5। तो हम क्या देख रहे हैं दैट यस, जब हमने नाइट्रोजन के मास को फिक्स किया तो बाकी के मासेस ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो है वो स्मॉल होल नंबर्स में है। तो यानी कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, बस इतना इजी था, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक क्वेश्चन। वाह, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, Given the following data for two compounds SnO2 and SnO, what is the whole number ratio of the oxygen of SnO to the oxygen of SnO2? Does this follow the law of multiple proportions? तो हमें पता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, एक के मास को फिक्स करो, दूसरे के मास का रेशियो फाइंड आउट करो, अगर स्मॉल होल नंबर है तो बिल्कुल फॉलो करता है। तो चलिए कर देते हैं, बड़ा इजी है। SnO में अगर हम देखें तो Sn का मास 100 गिवन है, ऑक्सीजन का मास 13.5 गिवन है, और अगर हम यहां देखें तो ये 100 ग्राम्स गिवन है, वहां 27.1 ग्राम्स गिवन है। हमारा काम बड़ा ही आसान हो गया, क्यों, क्योंकि हमें यहां पर मासेस फिक्स ही दे दिए Sn के। अगर फिक्स नहीं दिए होते, लेट अस से अगर ये 200 ग्राम्स दिया होता, अगर ये 200 होता तो आपको इसको 100 में कन्वर्ट करना होता, राइट, तो आप इसको 2 से डिवाइड करते, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते तो आप ऑक्सीजन के मास को भी 2 से डिवाइड करते, ठीक है, वो तो इजी हो गया क्योंकि यहां पर मासेस फिक्स थे। लेकिन अगर हमें फिक्स करना पड़े तो वो भी हमें आना चाहिए कि हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगर मुझे यहां पर देखूं तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा जब Sn का मास फिक्स है, तो 13.5, राइट, मास ऑफ ऑक्सीजन SnO टू वाले की बात करें तो 27.1, तो यहां पर 27.1 आ गया। रेशियो देख लेते हैं, 13.5 रेशियो 27.1, तो 27.1 है, अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें तो अप्रोक्सीमेट रेशियो क्या आ रहा है, ये 1 है तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर है, राइट, तो जो मासेस ऑफ ऑक्सीजन है उनका रेशियो 1:2 आ रहा है, दैट इज स्मॉल होल नंबर्स आ रहे हैं। तो यस, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है और रेशियो क्या है, 1:2, राइट, परफेक्ट। ये लॉ अगर यहां तक क्लियर है तो पूरा कंप्लीट क्लियर है, अब कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स, क्या है ये ड्रॉबैक्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कभी भी लैक नहीं करना है कि ड्रॉबैक्स जो होते हैं ना लॉस के, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो चलिए ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक है दैट व्हेन वी टेक आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन फेल्स। जब साइंटिस्ट ने हमें ये लॉस दिए थे ना तब आइसोटोप्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो आइसोटोप्स होते क्या है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट होता है और हम यहां पर मासेस का ही तो रेशियो ले रहे हैं, राइट, तो यानी कि जब आइसोटोप्स की बात आती है तो ये लॉ जो है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, क्या करना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इन केस ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स इट माइट फेल। अब क्या ध्यान रखना है, सम, ऐसा नहीं कह रहे हर हाइड्रोकार्बन में, बट कुछ हाइड्रोकार्बन्स में ये लॉ जो है वो फेल हो जाता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं ना वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे CH4, C2H2 या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, C3H, CnH2n आप ऐसे ले लीजिए, 8 ले लीजिए, राइट, तो इस तरह के जो
हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हर हाइड्रोकार्बन की बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जहां पर ये लॉ जो है वो फेल हो जाता है। क्लियर है? तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। बढ़ते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपको क्या कहता है इसे समझते हैं। ओके, यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसी को लेते हैं। लेट अस से कि हमारे पास में तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, यानी कि कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से यहां पर CO2 फॉर्म हो रहा है, यहां पर लेट अस से CH4 हो रहा है और यहां पर H2 हो रहा है। अब आपको यहां पर समझना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये तो क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स लिए और वो क्या कर रहे हैं, वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। अब आपको यहां पर मास लिखना है। पहले लिख लेते हैं मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम्स, मास ऑफ हाइड्रोजन हमने ले लिया 4 ग्राम्स। यहां पे बात करें तो मास ऑफ कार्बन हमने ले लिया 12 ग्राम्स और मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होगा यहां पर 32 ग्राम्स। परफेक्ट, यहां पर भी लिख लेते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन है यहां पर 2 ग्राम्स और मास ऑफ ऑक्सीजन यहां पर है 16 ग्राम्स। क्या कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब आपके एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कीजिए, हम ये ले लेते हैं, किसी भी एक एलिमेंट का मास ना फिक्स कर दो। मैंने क्या किया, मैंने कार्बन का मास फिक्स कर दिया, 12 ग्राम था। अगर फिक्स नहीं होता तो आपको खुद करना होता, फिक्स करना तो हमें आता है, हम अभी करके आ रहे हैं। परफेक्ट, तो अब यहां पर तो मास फिक्स है, जब आप एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दोगे तो ये दो कंपाउंड्स जो हैं इनमें कार्बन के साथ जो एलिमेंट कंबाइंड है उनके मासेस का रेशियो ले लो। तो यानी कि यहां पर मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो लेना है टू मास ऑफ ऑक्सीजन, मास फिक्स करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 32, तो रेशियो क्या आ गया, 1:8 आ गया। राइट, अब आप क्या करो, यही दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिलके भी तो एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। राइट, आप उनके मासेस का रेशियो लो। चलिए ले लेते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे तो 2:16 है, दैट इज 1:8 है। तो बस ये क्या है, सेम है ना रेशियो। यही कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या कहता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो आप किसी एक का मास फिक्स कर दो और उसके साथ जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का रेशियो ले लो, वो रेशियो, और जब वो दोनों एलिमेंट्स आपस में मिलके कंपाउंड फॉर्म करते हैं वहां पर जो मास का रेशियो आता है बिल्कुल सेम आता है। बस यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरह से आप लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको इसी तरह से फाइंड आउट करना है। और एक जनरल ऑब्जर्वेशन यही है कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आपको तीन ही एलिमेंट्स तक दिए जाते हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता है। ओके, तो थ्री एलिमेंट्स का अगर आपको क्लियर है ना तो फिर आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। परफेक्ट, यस, तो बस यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो किसी एक का मास अगर आप फिक्स करते हैं और उनके साथ जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं उनका मासेस का रेशियो इज सेम टू द मास रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द टू एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्ड वन कंपाउंड। क्लियर है? यस, परफेक्ट। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से इसे सुनो और ये बहुत इजी है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आगे है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब इसे समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है। यहां पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स ओनली। ये क्या है, ये गैसियस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस आर इन द सेम रेशियो। ये तो मैम आपको एक्सप्लेन करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होते हैं। अब इसे समझो, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो आप पढ़ लोगे बट इसे समझो कि ये कहना क्या चाहता है। लेट अस से हमारे पास में ए गैस है और मेरे पास में एक बी गैस है, ठीक है, ये मिलकर मुझे क्या दे रही है, सी गैस दे रही है।
तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस जो हैं वो कॉन्स्टेंट ली हैं, दैट इज सेम ली हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा कि ये गैस, लेट अस से इसकी स्टोइकोमेट्री 1 है और इसकी भी स्टोइकोमेट्री 1 है, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इसकी वॉल्यूम जो होगी, अगर ये 10 लीटर्स है तो ये भी 10 लीटर्स वॉल्यूम, दैट इज इनकी जो वॉल्यूम्स होगी, गिवन गैसेस हैं, गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गिवन कि ये सारी गैसेस हैं तो इनकी जो वॉल्यूम्स का रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर्स होगा, राइट और समझो और समझते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर यहां पर 1 और ये 2 होता, ठीक है, अब मैम क्या बोल रही है कि यहां पर 1 और इसकी स्टोइकोमेट्री 2 होती तो यहां पर क्या होता, अगर ये 10 लीटर होता तो यहां पर ये 20 लीटर्स होता, ये भी तो रेशियो सेम है ना, स्मॉल होल नंबर रेशियो आ रहा है 1:2, तो बस यही बात ये बोलता है, बहुत इजी है, बस दो चीजें ध्यान रखनी है, एक कि गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एप्लीकेबल होता है, क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें हमें क्लियर होंगी, परफेक्ट, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज सब बहुत इजी है, बस ध्यान से इसको समझना है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे और चीजें क्लियर होंगी, क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Gay-Lussac's law is applicable. Options देखते हैं. First is AgNO3 solid plus NaCl solution. पहला option देखते ही गलत है. क्यों गलत है? Solid आ गया. हमें तो gases पता है ना कि law तो सिर्फ gases पे applicable होता है. Right? चलिए next देखते हैं. Carbon solid plus 2Cl2 gas. Solid आ गया. तो ये option भी गलत है. Right? नेक्स्ट देखते हैं, NH3 गैस प्लस HCl लिक्विड आ गया, ये भी गलत है, गैसेस के ऊपर ही सिर्फ एप्लीकेबल होता है. फोर्थ ऑप्शन, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, यस, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि Gay-Lussac's law इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस, परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपको अब ध्यान से सोचना है, वीडियो पॉज करना है, खुद ट्राई करना है और फिर मैम का अप्रोच देखना है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहता है दैट 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O, ओके, इफ 27 लीटर्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, हमें पता है ये गैस है, राइट, यानी कि यहां पर Gay-Lussac's law एप्लीकेबल है. अब आपको इस रिएक्शन को लिखना है, 4NH3 plus 5O2 will give me 4NO plus 6H2O. अब आपको Gay-Lussac's law के हिसाब से क्या पता है, आपको पता है कि इनकी वॉल्यूम्स जो होती हैं वो स्मॉल होल नंबर रेशियोज में होती हैं, राइट, यानी कि अगर मैं स्टोइकियोमेट्री देखूं तो मैं क्या बोल सकती हूं, दैट लेट 4 लीटर्स ऑफ NH3 रिएक्ट विद 5 लीटर्स ऑफ O2. तो जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं, इसकी 4 लीटर और इसका 5 लीटर, तो कितना लीटर्स ऑफ NO मिलता है, 4 लीटर्स ऑफ NO हमें मिलता है, कोई डाउट नहीं है, राइट, तो मैं क्या कह सकती हूं, दैट टोटल 4 प्लस 5 9 लीटर्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिख दूं, ये रिएक्टेंट्स है ना दोनों, तो 5 लीटर्स ऑफ रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो 4 लीटर ऑफ हमें NO मिलता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 लीटर्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो अब आप क्या कह सकते हो कि जब 9 लीटर रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो 4 लीटर NO फॉर्म होता है, राइट, तो अगर 27 लीटर्स रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा, यूनिटरी मेथड ही तो यूज करना है, 9 27, यानी कि अगर मैं इसको भी 4 × 3 कर दूं तो मुझे NO मिल जाएगा, राइट, तो कितना वॉल्यूम ऑफ NO आ गया, वॉल्यूम ऑफ NO इज 12 लीटर्स, इजी था, बहुत इजी था, बस कॉन्सेप्ट समझना था, अगर लॉ आता था तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, राइट, यस, तो बस आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम देखें तो है एवोगैड्रोस लॉ,
एवोगैड्रोस लॉ जो है वो आपको और ज्यादा क्लियर होगा जब हम मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी हम इसे एक स्टेटमेंट, एक लॉ की तरह समझते हैं। इसको और क्लियरली हम आपको मूल कॉन्सेप्ट, जब नेक्स्ट लेक्चर्स में मूल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे तो वो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। स्टेटमेंट क्या है? अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोलना चाहता है वो समझ लीजिए। लेट अस से हमारे पास में H2 गैस है और हमारे पास में Cl2 गैस है जो हमें क्या दे रही है, HCl दे रही है। अब क्या कहना चाहता है ये कि अगर इसकी वॉल्यूम लेट अस से x है और Cl2 की भी वॉल्यूम x है, तो ये कहता है कि सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये डिफरेंट गैसेस हैं और इनकी सेम वॉल्यूम है। जब डिफरेंट गैसेस की सेम वॉल्यूम होती है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो भी सेम होते हैं। यानी कि इस टाइम पे H2 के मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करेंगे और Cl2 के मॉलिक्यूल्स की भी बात करेंगे तो वो भी सेम होंगे। इक्वल वॉल्यूम तो इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। और इसको और क्लियरली समझेंगे जब हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, राइट? तो बस आज की क्लास इतनी ही। सारे लॉज हमने कवर कर लिए हैं, इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपको और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, यू वांट दैट टॉपिक कि मैं डिस्कस करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आज का सेशन कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।